हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वा सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। बिहार में धान अधिप्राप्ति को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आप में से बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो धान को बेचना चाहते हैं सीधे सरकार को, ठीक है, जिसके माध्यम से बेचना चाहते हैं वो है आपका पैक्स या फिर व्यापार मंडल। बाजार के अलावा आप पैक्स में या फिर व्यापार मंडल में अपने धान को बेच सकते हैं। अगर आप एक बड़े खेतिहार हैं या फिर आपने बहुत ज़्यादा धान की उपज कर ली है और आप चाहते हैं कि हम जो अपने काम का चावल है, धान है, उसको रखें, बाकी को बेच दें, तो ऐसे में बिहार के बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यहाँ पर जो पैसा आता है वो सरकार की तरफ से आपके खाते में डायरेक्ट आ जाता है। कहीं भी किसी थर्ड पार्टी का कोई लोचा नहीं है या फिर कोई ऐसा मंडी बाजार नहीं है जहाँ पर आप अपना धान देते हो और बदले में आपको जब पैसा मांगने आप जाते हो तो वहाँ पर आपको 10 दिन 20 दिन 30 दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ता या कभी कभी सालों आपको वेट इंतजार करना पड़ता है और अच्छा रेट भी आपको नहीं मिल पाता। तो ऐसे में आपके लिए सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है कि आप अपने मन पसंद से अपना मन चाहा धान बेच सकते हैं, या आप व्यापार मंडल में बेचें या फिर आप पैक्स में बेचें। अभी तक आपको बता दें, यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रहा है, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस तरीके से आवेदन को प्रिंट करना है, सब कुछ हम बताएंगे। पहले थोड़ा सा खबर जान लीजिए कि आपका जो धान है उसका रेट सरकार की तरफ से क्या लगाया गया है। अभी तक आपको बता दें, पटना जिले की मैं बात कर रहा हूं कि धान की बिक्री के लिए लगभग 27,784 किसानों ने ऑनलाइन अपना निबंधन करा लिया है। सामान्य धान जो है यहां पर 2040 रुपये रखा गया है और ग्रेड ए धान 2060 रुपये प्रति क्विंटल आपका सरकार यहां पर धान खरीदेगी, ठीक है। अब ये धान सरकार जो है कभी कभी बाहर देशों में भेजती है, कभी बांग्लादेश में भेजती है, या फिर कई कभी कभार वो अपने स्तर से जो राशन बंटता है ना आपका, जिसमें चावल वगैरह मिलता है, तो ये सब वही चीज़ है जो आपसे ही सरकार अच्छे मूल्य देकर खरीदती है और फिर बाद में आपको 2 रुपये किलो 3 रुपये प्रति किलो आपका जो राशन मिलता है वही मिलता है। तो किसान से ही सरकार खरीदती है, सरकार अपना खेती नहीं करती, ठीक है। आपको बता दें, जिले में धान की बिक्री के लिए 27,784 किसानों ने ऑनलाइन निबंधन करा लिया है। इसमें 9,615 रैयत हैं और 18,169 गैर रैयत किसान शामिल हैं। अब रैयत और गैर रैयत का क्या मामला है, आइए बता देते हैं आपको। रैयत मतलब वैसे किसान जिनके पास खुद की अपनी जमीन है और वो धान की बिक्री करना चाहते हैं, और गैर रैयत उसे कहते हैं जिनके पास खुद की जमीन तो बिल्कुल भी नहीं होती है, वो बटाईदार में खेती करते हैं। यानी जैसे मेरा जमीन हो गया और मैंने किसी को बटाई के रूप में दे दिया, तो वो हो गया गैर रैयत। अब वो चाहे जो उसका हिस्सा मिलता है जो बटाई में रोपता है या फिर किसी पर लीज पे जमीन लिए हुए रहता है, तो वो भी धान को बेच सकता है। तो यहां पर गैर रैयत और रैयत दोनों के लिए अलग अलग रखा गया है कि कितना क्विंटल तक वो बेच सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, आगे बताया गया है कि यहाँ पर जो रेट रखा गया है वो तो हमने आपको बता दिया, 2040 रुपये और ग्रेड ए धान 2060 रुपये प्रति क्विंटल सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा। किसानों को खरीद के 48 घंटे के अंदर पैसा का भुगतान किया जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है कि जो किसान है जो धान बेचता है सीधे सरकार को, उसके खाते में डायरेक्ट 48 घंटे के अंदर पैसा आ जाता है, जो कि मार्केट में ना तो आपको अच्छा रेट मिलेगा और ना ही आपको समय पर पैसा मिलेगा। तो ये एक अच्छा अपडेट है। आगे बता दें आपको, मंगलवार को जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक के दौरान डीएम ने एसडीओ, बीडीओ और सीओ अपने अपने क्षेत्र में लगातार मॉनिटरिंग करने, सभी प्रखंडों को नोडल पदाधिकारी सप्ताह में 3 दिन क्षेत्र का भ्रमण करने और क्रय करने का निरीक्षण, धान बिक्री करने वाले किसानों से बातचीत कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया है। वहीं बैठक के दौरान जिले में किसानों से खरीद जाने वाले धान को चावल बनाने के लिए 70 मिलरों के द्वारा ऑनलाइन निबंधन भी किया गया है। इसमें 11 उसना राइस मिल शामिल हैं। राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक को ऑनलाइन सभी निबंधकों मिली 4 सदस्यीय जांच दल के तत्काल जांच कराकर प्रतिवेदन जो उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, ताकि मिलिंग का कार्य प्रारंभ किया जा सके। और वहीं चावल रखने के लिए 13 गोदाम की वीडियोग्राफी कराकर चावल रखने का कार्य करने का फिर निर्देश दिया गया है। इस मौके पर जिला स्तरीय सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे वहां पर। तो आइए आपको बता दे रहे हैं, मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। धान खरीद की रिपोर्टिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से भी होगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी को प्रखंड सहकारिता
अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त करने के दैनिक रूप से जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। तो मोबाइल ऐप भी है और मैं साइट भी बता रहा हूँ। अभी चलिए हम आपको पीसी स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और जान लेते हैं आपको किस तरीके से अपने धान को बेचने के लिए, चाहे व्यापार बेचना चाहते हैं या फिर आप पैक्स में बेचना चाहते हैं, किस तरीके से आप आवेदन करेंगे। तो चलिए पीसी स्क्रीन पर चलते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार। यहाँ पर बिहार से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट निकल कर आता है, चाहे वो आपके फायदे के लिए हो या फिर आपके इनकम के लिए हो, सब हम सटीक आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। आइए पीसी स्क्रीन पर चलते हैं और जान लेते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं ये है ई सहकारी सहकारिता विभाग बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर आपको अपना पंजीयन करना है। चलिए यहां पर जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। पहले यहां पर कुछ अलग डिज़ाइन था, अभी अपडेट करके कुछ इस तरीके से बना दिया गया है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहीं पर आपको पॉपअप मैसेज देखने को मिल रहा है, खरीफ दान अधिप्राप्ति 2022-23 आवेदन प्रारंभ हो चुका है, कृपया किसान कॉर्नर में चेक करें। तो यहां पर आप देख सकते हैं तरह तरह का यहां पर लिंक दिया गया है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ई सरकारी ऐप है, जो कि आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम पीसी से करने जा रहे हैं, वही चीज आप मोबाइल से भी करेंगे और आसानी के साथ हो जाएगा। किसान कॉर्नर में जाएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना मोबाइल ऐप है और खरीफ धान अधिप्राप्ति 2022-23 हेतु आवेदन प्रपत्र है, यहां से आपको आवेदन करना है। आवेदन अगर आपने कर लिया है, प्रिंट किसी बस आपने नहीं निकाल पाया है, या फिर आपका प्रिंट खो गया है, या फिर आपका प्रिंट डेटे टाइम आपका नेट चला गया था, तो दोबारा से प्रिंट आप धान यहां पर अधिप्राप्ति 2022-23 आवेदन को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आवेदन कैसे करना है। खरीफ धान अधिप्राप्ति 2022-23 हेतु आवेदन प्रपत्र आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया जो है पेज ओपन हो जाएगा कुछ ऐसा। यहां पर सबसे पहले आपको किसान का पंजीकरण चाहिए। यदि आपका किसान का पंजीकरण नहीं है तो आप यहां पर सबसे पहले किसान पंजीकरण पर क्लिक करके अपना पंजीकरण कर लेंगे। पंजीकरण पर हमने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका ये पंजीकरण वाला है, यहां से आप पंजीकरण करेंगे। इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे, अगर पंजीकरण देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को देख लीजिए, आप वहां से पंजीकरण कर लेंगे। तो वही आपको पंजीकरण जो है यहां पर डालना रहता है। तो चलिए हम पंजीकरण संख्या यहां पर डाल देते हैं, उसके बाद सर्च पे क्लिक करते हैं। अब यहां पर ऊपर में पूरा डिटेल्स आपको निकल कर आ जाता है, बैंक वगैरह, नाम वगैरह सब ये ऊपर हमने कर दिया है। ठीक है, यहां पर आपका बैंक का नाम आ जाएगा, बैंक शाखा जो है वो यहां पर नाम डाल देंगे। आपका बैंक आधार से लिंक है या नहीं है तो आपको अगर नहीं पता तो नहीं लिख दीजिए, अगर लिंक है तो हाँ पर क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद यहां पर अधिप्राप्ति, यहां पर बैंक शाखा का नाम लिख देंगे। ठीक है, यहां पर आपका जो रजिस्ट्रेशन के साथ जो आपका बैंक लिंक होगा उसका नाम आ जाएगा, आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अधिप्राप्ति एवं जमीन का विवरण आपको डालना है। तो क्या आप पैक्स सदस्य हैं, अगर आप पैक्स सदस्य हैं तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। पैक्स सदस्य पर भी हमने वीडियो बना दिया है, आप जाकर देख सकते हैं, पैक्स सदस्य अब बनने के भी बहुत सारे अपने फायदे हैं। फिलहाल अगर आप हैं तो हैं, यहाँ पर हाँ क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक कीजिए। धान देने के लिए पैक्स व्यापार मंडल का चयन करें, आप पैक्स में धान देना चाहते हैं, व्यापार मंडल में धान देना चाहते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। देन उसके बाद किसान का प्रकार, यहाँ पर रैयत कृषक है और गैर रैयत कृषक है, तो रैयत कृषक या गैर रैयत जो भी हो अपने हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पर अब पूछेगा आधार के अतिरिक्त पहचान संख्या, तो यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, राज्य सरकार द्वारा निर्गत कार्ड या पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड या राशन कार्ड, तो आप जो भी यहाँ पर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। मतदाता फोटो पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड संख्या यहाँ पर आप डाल देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपना अंचल सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपना हल्का सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपना मौजा सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको जमाबंदी पंजी की भाग संख्या यहाँ पर आपको डालना है, यहाँ पर जमाबंदी पंजी की पृष्ठ संख्या आपको डालना है। अब यहाँ पर भाग संख्या और पृष्ठ संख्या क्या होता है, यदि आप रसीद निकाले होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो यहाँ पर नीचे एक लिंक मिल जाए, आपको अपनी जमाबंदी पंजी की भाग संख्या एवं पृष्ठ संख्या पता नहीं होने की स्थिति में यहां पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे, ये आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा, राजस्व एवं भूमि सुधार के पेज पर। यहां पर अपना जिला सेलेक्ट कर लेंगे, यहां पर अपना अंचल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही अपना जिला और अंचल यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहां पर आपका हल्का आ जाएगा, हल्का सेलेक्ट करेंगे, मौजा सेलेक्ट करेंगे। अब आपको भाग और पृष्ठ नहीं याद तो आप रैयत का नाम से खोज सकते हैं या फिर समस्त पंजीकरण इसके नाम से भी खोज सकते हैं। इस सुरक्षा कोड को यहां पर आपको सॉल्व करके फिल करना है और सर्च बटन पर क्लिक कर देना है, तो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा जो भी आपका भाग वर्तमान होगा और पृष्ठ वर्तमान होगा। तो चलिए यहां पर आप अपना भाग संख्या डाल देंगे और यहां पर पृष्ठ संख्या डाल देंगे। चलिए हमने एक यहाँ पर डेमो के तौर पर डाल दिया है। अब जमीन का विवरण खोजे पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा,
कुछ ऐसा आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको सब लिखा मिल जाएगा, यहाँ पर आपका स्थिति मिल जाएगा, आप क्रेता हैं या लीज धारक हैं या फिर उत्तराधिकारी हैं, जो जमीन का आपका खाताधारी के साथ जो आवेदक का जो संबंध है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका सही क्षेत्र रकबा एकड़ पूछ रहा है कि जितने में आपने बुआई किया था, अगर आपको याद है तो वो लिख दीजिए यहाँ पर, ये मैंडेटरी है, लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जितने भी एकड़ में किया था, 4 एकड़ या फिर 5 एकड़, वो यहाँ पर डाल देंगे। सपोज हमने यहाँ पर 4 एकड़ डाल दिया तो कुल एकड़ यहाँ पर ये हो गया, कुल संभावित धान की जो मात्रा है वो यहाँ पर आपको फिल करना है, कितना धान आप बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताते चले, आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ बताया गया है, रैयत किसान के लिए अधिकतम धान की मात्रा जो है 250 क्विंटल है और गैर रैयत किसान के लिए यहाँ पर 100 क्विंटल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो गैर रैयत हैं तो 100 क्विंटल तक ही बेच सकते हैं, अगर आप रैयत हैं तो 250 क्विंटल तक ही बेच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना जो है क्विंटल डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर डाल देने के बाद आपको आगे बढ़े पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कृपया आवेदन की घोषणा को टिक करें, अब यहाँ पर आपको टिक करना है, ठीक है। और घोषणा को टिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखाई देगा, कृपया सभी सूचना की सूक्ष्मता जांच कर लें और सभी प्रकार के जो है आपने फिल किया है उसको जांच कर लें और कैप्चा ओटीपी दर्ज करें। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सुरक्षित करें, उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को दर्ज करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है, एक प्रिंट आपको मिल जाएगा। तो आवेदन कर दीजिए यदि आप पैक्स में या फिर व्यापार में अपना धान बेचना चाहते हैं। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी भी तरह का सवाल या कुछ पूछना चाहते हैं या किसी डेडिकेटेड टॉपिक पर वीडियोज़ बनवाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां भी डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।